वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में अब मैं इस सीरीज़ को कंक्लूड करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि हमने क्या क्या किया और आगे आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बूटस्ट्रैप समझने से और हमने धीरे धीरे जिंजर टेम्पलेटिंग के बारे में समझा, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में समझा और हमने सर्च को फंक्शनल बनाया। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो एरर दे रहा है क्योंकि मैंने अभी अपना डेटाबेस स्टार्ट नहीं किया है। एनीवेज मैं करूँगा भी नहीं क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ इस सीरीज़ को कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के कमेंट्स से रिलेटेड है। आप लोग कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस में, तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मेरे एरर्स आ रहे हैं, तो मेरे एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो यार मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। अगर मेरे एरर्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मेरे एरर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो मैं जस्ट ये सब जानता हूँ और अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता आप लोगों से। अगर मेरे एरर्स आ रहे हैं तो मैं उसको सामने रखकर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उन एरर्स को मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से शायद आप लोगों को भी डीबगिंग का एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो कुछ लोग हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि सीरीज़ को मैं आगे क्यों नहीं बढ़ाता, सेशंस के बारे में क्यों नहीं बताता। मैंने भी इस सीरीज़ में सेशंस को स्किप किया है और मैंने इस सीरीज़ में आप लोगों को एक अच्छी सी वेबसाइट बनाकर नहीं दिखाई है। हालांकि ये वेबसाइट ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत घटिया भी नहीं है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट की तरफ को भाग रहा है, फुटर यहाँ पर गड़बड़ा गया है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन हैं, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इनको खुद इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये था मेरी सीरीज़ के बारे में। और बाकी जो 90% ऑफ लोग हैं उनको तो ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत तारीफ़ें की हैं लोगों ने। लेकिन यार आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन बनेगा इस सीरीज़ को आगे ले जाने पर। और मे बी मैं सीरीज़ में आप लोगों को सेशंस के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। और फ्लास्क का कोई अंत नहीं है, पाइथन का कोई अंत नहीं है, प्रोग्रामिंग और सीखने का कोई अंत नहीं है। मैं आप लोगों को रेस्ट API के बारे में बता सकता हूँ, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ सेशंस के बारे में, इस वेबसाइट को और अच्छा कैसे बनाते हैं। इस वेबसाइट को अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं PyMySQL के साथ तो आप लोग की वेबसाइट को क्या खतरा है, आप लोग की वेबसाइट हैक हो सकती है, किस तरह हैकिंग की जाती है, किस तरह आप लोग इस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, किस तरह दूसरे आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप लोग का इंटरेस्ट बनेगा, मे बी आगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट्स आएंगे कि भाई इस वीडियो को आगे लेकर जाओ, तो मैं बनाऊंगा वीडियोस। और मैं सोच रहा हूं कि REST API का मैं एक अलग से सीरीज़ बनाऊं, दो चार वीडियोस की। REST API अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बताऊं क्या होता है। REST API एक URL है। अगर आपके पास एक URL है उसमें आप कुछ पैरामीटर्स दे रहे हैं, मान लीजिए न्यूज़ की API है, अगर आप लोगों ने कुछ दिया यहाँ URL में कि डेट इज़ इक्वल टू दिस एंड टाइप इज़ इक्वल टू हिंदी, तो आपको सारी न्यूज़ रिटर्न कर दी JSON फॉर्मेट में। तो उस तरह की चीज़ आप पाइथन में बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका इनपुट कुछ है, उसका आउटपुट कुछ आ रहा है, तो उस चीज़ को किस तरह आप लोग एक वेबसाइट के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, एक वेब URL, एक वेब सर्विस के तौर पर, टू बी वेरी प्रिसाइज, आप लोग उसको किस तरह डिलीवर कर सकते हैं, ये होती है REST API। तो अभी इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोग आगे अपनी लर्निंग को कैसे ले जा सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बेसिक्स दे दिया, आप लोगों को एक अच्छा किक स्टार्ट दे दिया मैं आशा करता हूं। तो आप लोग सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट है getbootstrap.com, इससे दोस्ती कर लीजिए। अभी इन्होंने अपडेट कर दिया, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूं, मैंने भी अभी देखा है, इन लोगों ने अपडेट कर दिया है। मेरे पुराने वीडियोज़ में आप लोगों ने अगर देखा हो तो वेबसाइट अलग है, तो अच्छी बात है काम हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है इस बात का कि भाई काम हो रहा है बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप पॉपुलर है, होती जा रही है। बाकी मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि बूटस्ट्रैप 4 जैसे कि आ गई है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं अपना ये कर दूँ, पुराना वर्ज़न में चले जाऊँ 3.3, तो पुरानी वाली वेबसाइट आ गई। तो आप लोग बूटस्ट्रैप 3 में, अभी हम लोग काम कर रहे थे बूटस्ट्रैप 3 में ही, आप लोग रहिए, सीखिए, CSS है, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में आप लोग देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। ये कोड अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होता है, ये कोड आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे सीखिए। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्जिन राइट इसमें 380 है, अगर मैं इसको 3000 कर दूँ तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स इसके इधर उधर भाग रहे हैं। इसको वैसे नॉर्मल कर दूँ तो ऐसा हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर इन एलिमेंट्स का छेड़खानी कर सकते हैं। अगर ये वाली CSS प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होती तब ये वेबसाइट कैसी दिखती।
अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये नहीं होती प्रॉपर्टी यहाँ पर तो क्या होता। तो ये देखिए वेबसाइट चेंज हो रही है, तो आप लोग सी एस एस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट एज HTML भी कर सकते हैं। आप अगर स्किप टू मेन कंटेंट लिखा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, स्किप टू मेन कंटेंट की जगह मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ, तो ये वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा जहाँ पर भी स्किप टू मेन कंटेंट लिखा हो। जैसे कि मैं कंपोनेंट पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करता हूँ, उप्स एडिट एज HTML, और यहाँ पर मान लीजिए कंपोनेंट्स बाय बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ क्लिक करता हूँ। तो ये आप लोग चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा होता तो क्या होता। ये बात हो गई बूटस्ट्रैप की जो कि फ्रंट एंड है। बात करें अगर बैक एंड की, तो आप लोग फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोग जाइए, मैंने आप लोग को एक अच्छा किक स्टार्ट दे दिया। वीडियोस देखने से आप लोग ज़रूर सीखेंगे, आप लोग कितने भी वीडियोस देख लें, लेकिन जब तक आप खुद कोड नहीं लिखेंगे, खुद कुछ बना नहीं लेते ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैं आप लोग को लिख कर दे सकता हूँ। तो आप लोग ने देखा ये वीडियो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये वीडियो से सीखा भी होगा बहुत कुछ, लेकिन अगर आप लोग खुद से कुछ नहीं बनाओगे, अब आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, अब आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आप लोग को सेशंस भी बताऊं, मैं आप लोग को सर्च बनाना तो मैंने सिखाया है हालांकि, लेकिन उसमें भी मैं आप लोग को टेम्पलेट में कैसे रिजल्ट रिटर्न करने वो बताऊं, तो वो सब चीज़ें तो मतलब स्पून फीडिंग हो जाएगी फिर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन पर जाओ, यहां पर देखो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। अगर मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कि जैसे मैंने सर्च में अगर मैं यहां पर वेब लिखता हूं, और अभी तो एरर देगा क्योंकि डेटाबेस मैंने ऑन नहीं कर रखा है, तो कुछ कुछ आ रहा था पहले। तो अगर आपको कोई एरर आ रहा है, मान लो यही एरर आ रहा है, मान लो आप भूल गए डेटाबेस को ऑन करना, ये एरर आ रहा है आपका, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके गूगल पे सर्च कर सकते हो, और गूगल पे सर्च करो इसको, थोड़ा इसको मिटा कर देखो, एग्जैक्टली क्वेरी डालना भी ठीक नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो के लिंक खुल जाएंगे, उनको देखिए जाकर। स्टैक ओवरफ्लो में आप लोग को पता चलेगा कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कशन पढ़िए लोगों का, लोग क्या कह रहे हैं। देखो ये कह रहा है चेक वेदर दी ब्ला 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 डॉट आई पेज MySQL.com MySQL सर्वर इज लिसनिंग ऑन, सब कुछ आप लोग देखिए जाकर, ये पढ़िए डिस्कशन, डेवलपर्स डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियोस पे आप एक बार कमेंट मारकर देखो, जवाब नहीं मिले तो मुझे बताना। अभी इतने लोग नहीं हैं, अभी इतने कमेंट नहीं आ रहे हैं, मैं जब तक रिप्लाई आप लोग कर पाऊंगा मैं करूंगा। तो आज की तारीख में तो कमेंट्स बिल्कुल आ ही नहीं रहे, तो अगर आपने कमेंट मार दिया ना तो रिप्लाई तो पक्का है, तो आप लोग मार के देखो। उसके बाद भी अगर नहीं है तो आप लोग लोगों के साथ जुड़ो, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, उन पर जाके आप बात करो लोगों से, और अपने आप धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, खुद से सीखोगे तो ज़्यादा आप लोग सीख पाओगे। तो मेरा ये था इस वीडियो सीरीज़ का कंक्लूजन। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इस चैनल पर मेरा प्लान है सब कुछ कवर करने का, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गई, डेटा एनालिसिस हो गया, पैंडास कैसे यूज़ करना है, क्वांडल कैसे यूज़ करना है, scikit-learn कैसे यूज़ करना है, TensorFlow कैसे यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ पाइथन में ही नहीं, हम लोग C++, C और इन सब इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग सिंपली लोगों को बताओ कि यहाँ पर हिंदी में कोई ये सब काम कर रहा है, हिंदी में कोई इमेज प्रोसेसिंग, फ्लास्क और पाइथन इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बता रहा है। लोगों को पता नहीं होता है, कुछ लोग मेरे चैनल पर आके कमेंट करते हैं कि सर अगर आपका चैनल 2-3 महीने पहले मिल जाता तो कितना अच्छा होता, सर अगर आपका चैनल 1 साल पहले मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आज मिल गया मेरा चैनल, अब 10 और लोगों तक पहुँचाओ। मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत कम लोगों तक पहुँच रही है, अगर आप लोग हेल्प करो मेरी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को सजेशंस दी वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आप लोगों का क्या कहना है इस सीरीज़ के बारे में, क्या आप लोग चाहते हैं मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कवर करूँ उसको, तो प्लीज़ मुझे बताइए कॉमेंट्स में, या फिर आप लोग को इन जनरल ये वीडियो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए कॉमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही दिया होगा बेल आइकन पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मत करिए, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये था मेरा इस वीडियो में आप लोगों से थोड़ा बहुत बताना था, तो मैंने एक कॉन्क्लूजन वीडियो सोचा बना लूँ, और
आगे मैं कुछ और ट्यूटोरियल सीरीज लेकर आऊँगा, तो आप लोग देखिए और उनसे भी आप लोग जो सीख रहे हैं और मुझे फीडबैक देते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।